इंजीनियरिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। इंजीनियरिंग कॉजेज फ्रस्ट्रेशन। इंजीनियरिंग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इंजीनियरिंग से फ्रस्ट्रेशन होता है। परसुइंग इंजीनियरिंग लीड्स टू फ्रस्ट्रेशन, डिसअपॉइंटमेंट, इंसोम्निया, मेंटल डिजीजेस एंड अदर इरिटेटिंग बिहेवियर्स। द कैरेक्टर शोन इन दिस फिल्म डू नॉट सपोर्ट एनी टाइप ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स सच एज ड्राफ्टर, ई ड्राइंग शीट्स, साइंटिफिक कैलकुलेटर, प्रैक्टिकल फाइल्स, ऑटोकैड, कैटिया एंड जावा सीडीज, आरएस अग्रवाल्स वर्बल नॉन वर्बल बुक्स, स्टील टेबल्स, गेट कैट गाइड बुक्स एक्सेट्रा और देयर प्रमोशन इन एनी मैनर। इंजीनियरिंग पढ़ना हताशा, निराशा, अनिद्रा, मानसिक रोग और अन्य तकलीफ देह व्यवहार की ओर ले जाता है। इस फिल्म में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग उत्पादों जैसे ड्राफ्टर, ईडी ड्राइंग शीट्स, वैज्ञानिक कैलकुलेटर, प्रैक्टिकल फाइलें, ऑटोकैड, कैटिया और जावा सीडी, आरएस अग्रवाल के मौखिक गैर मौखिक किताबें, स्टील टेबल, गेट कैट पुस्तकों का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मनुष्य का स्पंज समान दिमाग दुनिया की हरियाली सोखने के लिए बना है, लेकिन कुछ लोग इस दिमाग को इंजीनियरिंग का ज्ञान लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम इंजीनियरिंग करने वाले विद्यार्थी के दिमाग को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का फ्रस्ट्रेशन पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको फ्रस्ट्रेट, बहुत फ्रस्ट्रेट करने के लिए काफी है। हम लोग रोज 50 नए फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर देख रहे हैं, महीने में करीब 1000। 80-90% असाइनमेंट्स, क्लास हेक्टिक शेड्यूल, एग्जाम, प्लेसमेंट के टेंशन के वजह से फ्रस्ट्रेट होते हैं, और वो लोग अपना फ्रस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के फैकल्टी रूम में हॉस्टल के वॉशबेसिन और मिरर और जूनियर्स को थकुच थकुच के निकालते हैं। इन सबसे अगर टाइम बच जाता है तो वो लोग अपने दोस्तों को अपने बर्थडे में लात मार मार के, आप लोग जानते हैं कहाँ, और काउंटर स्ट्राइक में फायरिंग करके निकालते हैं। ये कहानी है सुरेश की, जिसकी लाइफ इंजीनियरिंग ने एक बिलान छोटी कर दी। मेरा नाम सुरेश है, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं बीकॉम करना चाहता था, पिताजी ने मेरे को इंजीनियरिंग कॉलेज में डाल दिया। 2 साल से इतना फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ कि शायद आगे इंजीनियरिंग कर नहीं पाऊंगा। अफसोस, सुरेश 4 साल इंजीनियरिंग नहीं बर्दाश्त कर सका, और प्लेसमेंट की हालात देखते हुए उसने 2 साल में ही इंजीनियरिंग छोड़ के अपनी खुद की एक कंपनी खोल ली, पूजा स्नैक्स। और आजकल वो बाकी फ्रस्ट्रेटेड इंजीनियर्स को मैगी खिलाता है और मिरिंडा पिलाता है।